चास के शिवपुरी कॉलोनी स्थित महतो बांध में धूमधाम के साथ छठ पूजा संपन्न हुआ। महतो बांध में ही पहली बार यहां छठ पूजा हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर चास नगर निगम के निवर्तमान उपमेयर अविनाश कुमार ने कहा कि तालाब का सौंदर्यकरण हुआ, तालाब को काफी अच्छा बनाया गया है। इसके बाद आज यहाँ छठ पूजा सम्पन्न हुआ है और अगले साल और भी बेहतर यहाँ काम होगा। इस मौके पर चार शिवपुरी कॉलोनी निवासी समाज सेवी चितरंजन शर्मा ने कहा कि इस बार यहां पहली बार छठ पूजा हुआ है, जिसके कारण काफी उत्साह है। हम लोग सभी ने मिलजुल के तालाब की सफाई की है तथा निगम कुछ सफाई कर्मी आकर भी साफ किए, लेकिन चास नगर निगम की ओर से अधिकारियों के द्वारा कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया जाता तो और भी बेहतर होता। इस मौके पर महेश ब्रह्मचारी राकेश सहित काफी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद। छठ पूजा हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत हर्षोल्लास है मोहल्ला वासी में कि अपना इस महतो बांध में नया नया शुरुआत हुआ छठ का, और सभी छठवर्ती बहुत आनंद से अपना सूर्य सरोवर का पूजा कर रहे हैं। यहाँ जो सफाई हुआ हर चीज हुआ, तो इसमें यहाँ के प्रशासन के अधिकारी या निगम के अधिकारी आए थे क्या? नहीं नहीं, नहीं आए थे। मैंने आप लोग सब मिलके अपने आप किए, कुछ जोन से कुछ दो तीन आदमी आए थे बस, अधिकारी कोई नहीं आया, कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं। क्या चाहते हैं कि ये तालाब क्या बने? ये तालाब चारों तरफ से छठ घाट का निर्माण हो, या और भारी संख्या में लोग यहाँ आए, जो सोलागिरी में भीड़ होने के कारण वहाँ पे दिक्कत होती है। मैं यहाँ और बेहद रूप से करना चाह रहे हैं। जी जी जी, अगले बार और बेहद रूप से करना चाहते हैं। के बारे में बताइए क्या? सबसे पहले तो बता दूं जिला के सभी नगरवासियों को छठ पर्व का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बार हम लोग शिवपुरी कॉलोनी के महतो बांध तालाब से खड़े हैं और पहली बार यहाँ पे छठ घाट पे छठ पूजा का आयोजन किया गया, और यहाँ के कॉलोनी के युवाओं के द्वारा इस आयोजन को सफलतापूर्वक इसका सफल संचालन किया गया। लेकिन नगर निगम अगर चाहता तो जैसे सुप्रीम में बोकारो में हम लोग देखते हैं कि बिरिंची नारायण के द्वारा एक अभी तिरंगा तालाब बनाया गया, तिरंगा तालाब बनाया गया, इतना सुंदर तालाब है जहाँ पे लोग जो है छठ पूजा के लिए मतलब लाइट रहते हैं कि वहाँ पे कैसे देखते जाए। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि कॉलोनी में इस तालाब का भी सौंदर्यीकरण, चारों तरफ सीढ़ियाँ इसका बने, चारों तरफ नहीं तो कम से कम दो तरफ सीढ़ी का निर्माण हो इसमें तत्काल। और उससे क्या होगा कि शाम को यहाँ पे वृद्ध बच्चे गाँव मतलब लोग जो है वो यहाँ बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, और अगले साल से हम लोग और जोर शोर से इसका मैं आप लोग नगर निगम के अधिकारी या प्रशासन से मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, विधायक से आग्रह कर रहे हैं, सांसद से आग्रह कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी रूप में इसका ऐसा सौंदर्यीकरण हो ताकि चास में इस तालाब का एक अलग से पहचान बने।